नमस्कार, जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल और आज का ये वीडियो है राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के लिए। मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में चलने वाले राहु कैसा फल देने वाले होंगे इसके बारे में। तो राशि चक्र की जो चौथी राशि कर्क राशि है, इनके लिए जो ये राहु ट्रांजिट अभी चल रहे हैं, बारहवें स्थान के अंदर चल रहे हैं, बारहवें स्थान में वैसे भी राहु का जो फल है वो शुभ नहीं माना जाएगा। बारहवें स्थान में राहु ऋणकर्ता होते हैं, मतलब डेब्ट आपका बढ़ सकता है। किसी से आप कर्जा लो तो कर्जा आप जल्दी चुका ना पाओ, ऐसी कोई भी परिस्थिति का निर्माण होता है। पर्टिकुलरली आज के इस वीडियो के अंदर 11 सितंबर से लेकर 8 महीना और 8 दिन आद्रा नक्षत्र में चलने वाले राहु आपको कैसा फल देने वाले होंगे इसके बारे में है आज का ये वीडियो। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कि कर्क राशि कैसे बनती है। जल तत्व की जो चौथी राशि कर्क राशि है, इस ये जो पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण, आश्लेषा पुष्य नक्षत्र के चार चरण और आश्लेषा नक्षत्र के चार चरण, ऐसे मिला के कर्क राशि बनती है। अब जो पुनर्वसु नक्षत्र की योनि है वो मांजर योनि है, मांजर माने बिल्ला। पुष्य नक्षत्र की योनि मेष है, मेष यानी भेड़ जो बकरियों के साथ रहता है, इंग्लिश में इसको शीप बोलते हैं। और आश्लेषा नक्षत्र की वंश अगेन योनि मांजर योनि है, मांजर माने बिल्ली। राहु जो 11 सितंबर से लेकर चलेंगे आद्रा नक्षत्र के अंदर, उसकी जो योनि है वो स्वान योनि है, स्वान माने कुत्ता। तो ये तीनों तीन जो नक्षत्र है, पुनर्वसु, पुनर्वसु के लिए विपत नक्षत्र होगा। जो कोई भी जातक का जन्म कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए जो राहु चलेंगे ये शत्रु योनि में चलेंगे। शत्रु आपको शुभ फल नहीं होता है, मतलब इसका फल शुभ नहीं होता है। बारहवें स्थान, एक तो स्थान बारहवा है, प्लेस ऑफ लॉसेस, और राहु की जो योनि है वो शत्रु योनि है। तो आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फेस करेंगे जब चलेंगे राहु आद्रा नक्षत्र में। यदि आपका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है तो आप भी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं करेंगे, कंफर्टेबल महसूस नहीं करेंगे अपने आप को। और जो आश्लेषा नक्षत्र में जो कोई भी जातक का जन्म हुआ है, इनके लिए भी जो राहु का ट्रांजिट है ये भी शुभ नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए जो राहु चलेंगे आपके वध तारा के अंदर चलेंगे। तो आपके लिए भी जो राहु का ट्रांजिट है वो शुभ नहीं होगा। तो राहु शांति के लिए क्या करना चाहिए, आने वाले 8 महीना और 8 दिन जो राहु आद्रा नक्षत्र में चलेंगे, इसकी शांति के लिए आपको मैक्सिमम कुत्ते को दूध रोटी खिलाना है, दिन में 3 बार सूर्य भगवान का दर्शन करना है, और एक्सपर्ट ओपिनियन के हिसाब से और भी क्या रेमेडी करना है राहु शांति के लिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो मोबाइल के ऊपर। यदि आप अपना पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं तो नंबर अवश्य नोट करें, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी अवेलेबल है। नंबर इस प्रकार है 9998011838, यानी कि 9998011838। राहु का जो ट्रांजिट है कर्क राशि के अंदर, कर्क राशि मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में, ये कर्क राशि वाले जातकों के लिए एब्सोल्युटली शुभ नहीं है। कोई भी नक्षत्र में आपका जन्म हो, आपका ऋण बढ़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि के अंदर भी आपके खर्चे हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ के अंदर आपको केयर करना होगा। यदि आपके कोई मित्र है कर्क राशि वाले तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाए, ताकि चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। जहाँ भी रहो खुश रहो, ऐसी शुभकामना के साथ जय गणेश, गुड लक, ऑल द बेस्ट डियर फ्रेंड्स।